पहली गेंद वहां पर शूट घुमा दिया है और अंपायर साहब ने कहा इसको लिखिए चार रन निकले बाउंड्री के बाहर। शुरू हो चुके हैं विधाननगर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। हल्के हाथों से खेला अच्छा डिफेंसिव स्ट्रोक। मेमोरियल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट की अगली गेंद विशाल हल्के हाथों से खेला हल्की सी अपील छोटू सी अपील लेकिन अंपायर हमारे चुस्त एक्सपीरियंस चालाक अंपायर जारी रखेंगे। अगली गेंद स्ट्राइक पर पिचर था बंदर माफ कीजिए चंदन लेग साइड के बाहर जाती हुई गेंद हल्की सी अंपायर सामने कहा वाइड बॉल का कार एक अतरी का फल मीठा होता है। अगली गेंद से हल्के हाथों से खेला चैलेंज करते हुए थोड़ी सी वहां पर फंबल दिखाई लेकिन एक रन भाग के पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने दाएं हाथ और बाएं हाथ के बल्लेबाज से चल रॉय। हल्के हाथों से खेला जो उतार पीला पैर को बदवा बनने का प्रयास और इसी के बीच यहां पर सिरे से नकारा अंपायर ने और अंपायर औसत के बाहर वहां पर खेलने का प्रयास था बल्लेबाज और टॉच इसी के साथ ओवर की समाप्त किया अंपायर ने और एक छोटा सा अनाउंसमेंट जितने भी दर्शक अंदर हैं बेडिकेट के अंदर हैं जो समस्त दर्शक बेडिकेट भीतर ढुके आज खेला गया वहां पर स्वीप थी डबल जाती हुई चार रन के बाउंड्री के बाहर स्ट्राइक से किया है इनका स्वागत चार रन। फिर से अगली गेंद फिर से चौबान प्रहार फील्डर नीचे गलत नहीं करेंगे विकेट के बदल सोनू कुमार सिंह बड़ी मछली को जाल में फंसाया चंदन के रूप में। फिर से खेला सीधा गेंदबाज ने टाइप कीजिए देखिए विधाननगर क्रिकेट टूर्नामेंट और अगला गेंद वहां पर हल्के हाथों से खेला कवर की दिशा में डीप कवर में वहां पर खेल के लाने ने फील्ड किया और कोई रन नहीं और खिलाड़ी यहां पर सिंगर के कप्तान राघवेंद्र वही आशा रखेंगे उनसे बल्लेबाजी का ऑफसाइड के बाहर उसको ठकेल दिया सीधा पॉइंट की दिशा अगली के ही वचन चिकिन के हाथों से खेला सीधा स्ट्रेट खेला वहां पर फील्डर वहां पर किसी कोई तरीके कोई गलती नहीं किया मुन्नसा जॉर्ज छक्के भी जमाए थे अच्छी गेंद विकेटों पर फिर सम्मान देते हुए देखा फिर से कमेंट्री छोट की ओर फिर से देखा परखा जाने दिया था चंदन सिंह वहां पर विकेटों के पीछे लाट फिर से लाजवाब इन स्विंग गेंदबाजी पटकने के बाद अंदर की इस बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास पर गैप नहीं ढूंढ पाए थे विशाल फिर से तैनात वहां पर
और लाजवाब कर कराता हुआ साथ। और इस फाइनल मुकाबले का पहला समसमाता हुआ सिक्स लाजवाब। इस बार अच्छी वापसी सोनू के द्वारा ड्राइव किए थे। इस बार पूरी तरह से बीत हुए हैं लाजवाब गेंदबाजी। एक स्लिप, एक गली, एक पॉइंट कवर और इस बार स्टेप आउट किया था लाजवाब कमर के खिलाड़ी के सर के ऊपर से शानदार शॉट। 4 रन। स्कोर तेज गति से बढ़ता हुआ। और इस बार कट पॉइंट की दिशा से शानदार बल्लेबाजी। इस बार विकेटों पर गेंद थी, अच्छी वापसी सोनू के द्वारा, अच्छा डिफेंस गेल के द्वारा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 बॉलिंग मार्क पर 7-7 की जर्सी लगाए हुए। लाजवाब गेंदबाजी गिरकर ऑफ साइड के बाहर से निकलती हुई और निर्णायक महोदय का दोनों हाथ रंकू। अगली गेंद लेकर बिट्टू के लिए। इस बार सधी हुई लाइन, देखा परखा जाने दिया था बिट्टू ने। काजल सर के अतिथियों का चरण वंदन और हार्दिक अभिनंदन। फिर से लाजवाब लाइन बल्लेबाज, आप देख पा रहे हैं। अगली गेंद इस बार हवा में बल्ला घुमाए थे, शॉट कड़कड़ा के खेलने का। इस बार फैन लेकर दिशा में हवा में गेंद, खतरा हो सकता है और असीम सा कैच। आदित्य सिंह कोई गलती नहीं, बड़ी सफलता यहां पर। बिट्टू यादव निराश कदमों से अपने खेमे में जाते हुए सफल ओवर के साथ। अगली गेंद देकर फिर से जाने दिया था। सामना करने के लिए तैयार कप्तान बंबो पिंटू। इस बार लेग स्टिक से बाहर व्हाइट का इशारा, एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। फिर से लाजवाब सरफराज बॉल को देखते रह गए, बॉल गई विकेट कीपर चंदन के हाथों में। इस तरह से ओवर की समाप्ति लाजवाब ओवर की। और से काफी बाहर निर्णायक महोदय के द्वारा व्हाइट का। और इस बार लाजवाब ड्राइव और शानदार फील्डिंग होकर निश्चित रूप से 3 रन बचाते हुए सोनू का। लाजवाब गेंदबाजी देखा पर इस बार कवर का मोर्चा संभाले हुए। इस बार ऑपोस्टिक पर गेंद थी, कलाइयों के सहारे फ्लिक किए थे। जब तक सोनू तेज गति से आकर फील्डिंग करते तब तक 1 रन। और अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद और नजातक
इस बार फिर से अच्छी गेंदबाजी पर उतनी अच्छी बल्लेबाजी, उतनी अच्छी शानदार फील्डिंग, कोई रन नहीं बांधे रखे। इस बार फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, ओपन स्टिक से काफी बाहर। इस बार और स्लिप और गली के बीच से निकलता हुआ शानदार चौका। उसी के साथ ओवर की समाप्ति 39-39 के कुल योग पर दो विकेटों का पतन हो चुका है। और जब तक सातवां ओवर फेंका जाएगा, आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान। अगली ओवर डालने के लिए तैयार। और ऑफसाइड के बाहर अंपायर साहब ने दोनों हाथे फैला कर दिया, इसे व्हाइट बॉल करार। और एक अतिरिक्त रन जहां पर बाजी फारबिसगंज की टीम ने मारा था और इसी के साथ एक रन लेके वहां पर खेल दिया है पॉइंट की दिशा में। और अंपायर साहब ने कहा यहां पर नो बॉल, यानी कि एक अतिरिक्त गेंद खेलना पड़ेगा। और इसे बाएं हाथ टू बाएं हाथ, छोटी सी हेलीकॉप्टर या अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। अगली गेंद और बॉल लहराती हुई घूमती हुई नजर आती हुई फील्डर पीछे दौड़ते हुए, अच्छी फील्डिंग, एक रन दो रन भागे पूरा किया सरफराज ने, साथ पूरा दिया बल्लेबाज का। तो दाएं हाथ और बाएं हाथ का बल्लेबाज यहां पर एमएस फारबिसगंज के लिए यहां पर स्ट्राइक है। अगली गेंद ऑफसाइड के बाहर हल्के हाथों से वहां पर कवर के दिया में खेला दीप कवर खड़े वहां पर विशाल हकी ने फील्ड में फील्ड किया हल्के हाथ। फिर से यहां पर हल्का सा स्वीप आते नीचे फील्डिंग वहां पर एक रन भागे पूरा किया। एक रन के लिए अगली गेंद यहां पर लपेटा शॉट सीधा बॉल जाती हुई बाउंड्री के बाहर, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच भी नहीं सीधा SIX। एक अंक लिखे से यहां पर टिपोले खेला करते हुए अभी तक लिखे से यहां पर ऑफसाइड के बाहर विकेट कीपर ने अच्छी तरह से उसे कीप किया और वाइड बॉल का इशारा पर मोहजे के द्वारा ओपन टू अगली गेंद। इस बार ऑफसाइड के बाहर बाय वन गेट वन फ्री, यानी कि दो लगातार वाइड, ये तो शुरुआत है। छोटे शॉट मिला फील्डर नीचे, गलती नहीं करेंगे आदित्य सिंह पूरी तरह से रंग में चौकेट। पहन रखा है अगली गेंद सुरक्षात्मक तरीके से खेला वहां पर हल्की सी अपील हुई थी जरूर, विश्वास में कोई कमी नहीं हमारे दोनों अंपायर। फिर
से अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाज को चकमा दिया, बल्लेबाज को नहीं जाने दिया, अंतिम समय में अपना लीड निर्धारण वहां पर किया। स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से खाने का व्यवस्था बहुत ही शानदार। अगली गेंद सरफराज ने जा रहे दिया सीधा विकेट के बगल स्थानों में, पहली गेंद यहां पर सामने प्रत्यक्ष आप देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार। अगली गेंद इसे अच्छी गेंद, ऑफ साइड के बाहर जाते हुए बल्लेबाज ने कोई छीर फिर से अच्छी गेंदबाजी, लेकिन इस बार वाइड बॉल ऑप्शन के थोड़ी बाहर, और अभी अभी लगातार हर बार 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 अगली गेंद ऑप्शन के बाहर, वहां पर कवर में खिलाड़ी ने फील्ड किया कप्तान, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं इस ओवर में। अच्छा सरफराज ने जाने दिया वहां पर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद अनिल का, सरफराज स्ट्राइक पर घुमा के खेल दिया है सरफराज, बाहुबली इंतजार कर रहे थे, देर आए दुरुस्त आए, सरफराज का बाहुबली छक्का बाउंड्री के बाहर। फील्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं, जाने दिया गेंद को सीधा और वाइड बॉल, अंपायर साहब ने कहा यहां पर वाइड बॉल, बर्दा साहब दूसरे की दरकार है। अच्छी गेंद यहां पर, अनिल शाह के मन में कुछ और चलता हुआ, डॉट विकेट कीपर ने गिफ्ट किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई, नौ ओवर की समाप्ति पर 69 यानी कि 69 रन तीन विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद जाने दिया गेंद को ट्रॉट, और मैं थैंक यू लगातार औसत के बाहर वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, अच्छी विकेट कीपिंग हमारे इस बार दाएं तरफ। अगली गेंद एक रन के लिए सीधा से खेल दिया वहां पर अन्य जगह डिवीजन में, एक रन के लिए फील्ड किया और पास है जिनका भी है उपयुक्त प्रमाण देकर क्लब सदस्य से संग्रह करें, थैंक यू वेरी मच। अगली गेंद गौरव राजा करना पड़ता है, और यहां पर हल्का कवर ड्राइव जरूर था लेकिन डिफेंडर भी दूर थे कभी, और एक फिर से छोटा सा अनाउंसमेंट हमारे काफी दूर अगली गेम फिर से जोरदार शॉट लगाने का प्रयास, वो शॉट जिसे कहते हैं बाहुबली का फेवरेट शॉट, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, बहुत सीधा कैमरा से यहां पर पॉइंट की दिशा में खेला, फील्ड में फील्ड किया एक रन के लिए, और आज हमारे
उसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 11 ओवर की समाप्ति। धन्यवाद। और ये लगा जोरदार करकरा के ये 105 मीटर का छक्का। आप जानते हैं टेनिस बॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी। इस बार वापसी और शानदार शॉट में वहां पर अनिल शाह मौजूद थे। अगली गेंद और रचनात्मक शॉट खेलने का प्रयास, यहां पर टाइमिंग नहीं कर पाए थे। अच्छी गेंदबाजी, शानदार क्रिकेट। लाजवाब सिक्स उनके बल्ले से आता हुआ। अगली गेंद और दूसरा शॉट उसी ओवर से लाजवाब, शानदार लेग विकेट के ऊपर से। इस बार फिर से अच्छी वापसी, यॉर्कर लेंथ की गेंद, शानदार तरीके से खेले लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अच्छी फील्डिंग, केवल एक रन आता हुआ। शाह को पॉइंट पर लाए हैं। अच्छी गेंदबाजी पर शानदार शॉट, सोनू सिंह वहां पर मौजूद। एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए ओवर की समाप्ति। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 91/3 विकेट और ड्रिंक्स ब्रेक यहां पर होना है। और विशेष अनुरोध आप सभी क्रिकेट प्रेमियों से, आप सभी खेल प्रेमियों से सादर अनुरोध है, विशेष स्वागत एक बार फिर से माता बहने भगनी भतीजियों का, जो कि लाजवाब गेंदबाजी बिजनू के द्वारा विकेटों पर गेंद की नजाकत बड़े अंदाज से खेले बंगाल की टीम गेंदबाजी। इस बार शानदार ड्राइव और उतना ही शानदार कप्तान के द्वारा ये फील्डिंग। इस बार पूरी तरह चूके थे, पूरी तरह से बीच हुए थे। बड़ी अपील यहां पर, दबाव डालने का प्रयास और शानदार अंपायरिंग वहां पर। डिसीजन, चौथा विकेट गिरता हुआ यहां पर गौरव के रूप में। बिस्टो अपने बॉलिंग मार्क पर और राजेश सिंह ने खिलाड़ियों के सहारे से मिड विकेट के दिशा में। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास सरफराज के द्वारा पर अगली गेंद। इस बार फिर से पूरी तरह से चूके वहां पर सरफराज, पूरी तरह से बीट हुए थे। गति में परिवर्तन वहां पर विष्णु के द्वारा, लाजवाब शानदार गेंद। इस पर कट करने का प्रयास और शानदार कट, फिर से सोनू के पास बॉल जाता हुआ। सोनू, अच्छी फील्डिंग सोनू के द्वारा, केवल एक रन आता हुआ क्लब छोर से। और बड़ी अपील यहां पर,
खासा उत्साह यहाँ पर दिखता हुआ और दोनों ही निर्णायक दर्शकों में काफी उत्सुकता डिसीजन पेंडिंग में। और नॉट आउट करार देते हुए यहाँ पर और निवेदन आपको सभी खिलाड़ियों से कि आप तो जेंटलमैन गेम के खिलाड़ी हैं और आपको पता है कि निर्णायक महोदय का निर्णय ही सर्वमान्य होता है, तो आप किसी तरह का तर्क वितर्क ना करें। फाइनल मुकाबला चलता हुआ सादर अनुरोध जेंटलमैन गेम के जेंटलमैन खिलाड़ियों से निर्णायक महोदय का निर्णय ही सर्वमान्य। तैयार सरफराज के लिए अच्छी गेंदबाजी जाने दिया था विजय सरमान और अंतिम अगली गेंद इस बार ऑफ स्टिक से बाहर वाइट का इशारा एक फिर से विशाल उसे ड्राइव करने का प्रयास पर बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा था यस नो पर रन पूरा होता हुआ सेकेंड स्लिप में अनिल शाह शानदार शॉट और उतनी ही शानदार फील्डिंग नतीजा सिर्फ एक रन। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था पर पूरी तरह से चूके थे वहां पर लाजवाब गेंदबाजी और डिफेंस करने का इस बार लो फुलटोस गेम कलयो के सहारे से खेले छोटा सा रनअप इनका और सटीक गेंदबाजी इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार शानदार करकड़ा के ये सिक्स इसको तेज गति से अगली गेंद इस बार उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास वहां पर पूरी फिर से सरफराज तैयार इस बार विकेट पर गेंद थी कलयो के सहारे से फ्लिक किए थे और शानदार फील्डिंग वहां पर डीप इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास पर अच्छी गेंद नीची रहती थी गेंद थी सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाता और लाजवाब ऑफ स्टिक के बॉल को लेग स्टिक में फाइन लेग की दिशा में खेलते हुए
चंदन सिंह वहां पर खोमा करे दो। फिर से आए हैं अनिल शाह, सामना करेंगे राजेश सिंह। इस बार पैरों पर गेंद थी, फाइनल की दिशा में चंदन बॉल के पीछे, शानदार विकेट कीपिंग का नजारा, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम। और इस बार उनके रडार में आता हुआ और मंच के ऊपर लाजवाब शॉट, कड़कड़ा के ये सरफराज के बल्ले से लगता हुआ शानदार। और फिर से प्रयास यहां पर सरफराज बाहुबली के द्वारा, पर अच्छी वापसी अनिल शाह के द्वारा, पूरी तरह से वहां भोजन की व्यवस्था है, आनंद उठाएं। और इस बार स्टॉप आउट क्या था, और सीधे बल्ले से साइड स्क्रीन के ऊपर से कलट के आसपास जाता हुआ ये कड़कड़ा के छह रन। और इसी के साथ सरफराज बाहुबली का 50 का आंकड़ा पार करते हुए सरफराज शानदार पारी, जितनी प्रशंसा जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सरफराज अपने टीम को लाजवाब, और इस बार फिर से ओप में जाती हुई गेंद को स्टेट में खेले थे, पर अच्छी फील्डिंग वहां पर विशाल के द्वारा। जी हाँ, धन्यवाद। यहां पर अगला ओवर लेकर आएंगे अंकुर सिंह, स्ट्राइक पर सरफराज बाहुबली। राजेश सिंह फिर से यहां पर बॉल को रोका और यहां पर मैदान के बाहर से शोरगुल लगातार सिंह, यहां पर फिर से अंकुर सिंह स्ट्राइक पर, इस बार राजेश सिंह लिखेंगे के बाहर लहराती हुई गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला, वहां पर फील्डर रहे और यहां पर बॉल निकल गई सीमा रेखा दोनों के बाहर चार रनों के लिए। वहां पर में खेला एक रन के लिए, और यहां पर फेसबुक में कमेंट आती हुई स्ट्राइक पर सरफराज बाहुबली फिर से। अच्छी गेंद अंदर आती हुई गेंद को वहां पर रोका बल्ले से सरफराज ने एक रन के लिए, फंबल जरूर दिखाया था लेकिन मना किया, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया वहां पर, कोई दूसरा मुकाबला पूरा फाइनल मुकाबला चलता हुआ। फिर से अच्छी फील्डिंग वहां पर कप्तान के द्वारा, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, 100 में से 200 नंबर देते हुए कप्तान, और वहां पर हौसला अफजाई करते हुए अंकुर सिंह उनका। और इसी के बीच और एक कॉमेंट आया है, कांचे की टक्कर, और इसी के बीच एक रन के लिए सीधा स्ट्रेट खेला है वहां पर बल्लेबाज ने सरफराज बाहुबली, और यहां पर दोनों तरफ से कांटे मंच पर प्लेटफॉर्म। अच्छा कवर ड्राइव, फील्डर वहां पर उपस्थित सोनू सिंह, कोई गलती नहीं। 18 ओवर के खेल जारी, 128 रन बोर्ड पर, विकेट के नुकसान पर अगली गेंद। जैसे अच्छा वहां पर स्ट्रीट लॉन्ग की दिशा में खेला फील्डर ने, वहां पर फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बस लोग ओवर का खेल शुरू हो चुका है, 18 ओवर का खेल जारी, अगली गेंद। पट्टी हुई गेंद भी जरूर थी सामने की तरफ से, वहां पर खेला लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की जा रही है कि जगह पे बॉल को ब्रीफ किया, अच्छी गेंदबाजी अनिल शाह द्वारा, और इसी दर्शक से हमेशा प्लेयर को काफी उम्मीदें रहती है। अगली गेंद ये देखिए, चाली चाली, और यहां पर 6 रन के लिए शॉट खेलने वाली बरसात,
यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा अगली गेंद। फिर से जोरदार शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं और ये देखिए बड़ा विकेट, ये देखिए बड़ा विकेट। अंकुर सिंह पूरी तरह से रंग में, हिट और सीधा विकेट, विकेट का पतन भी हुआ है। परी मछली को जाल में फंसाया और परी मछली का नाम जब आप बंगाल में है तो जरूर कहना चाहेंगे इलिश माछ। माती हुई सोनू सिंह आए हैं यहां पर गेंदबाजी का जिम्मा। और यहां पर मेजबान को पूरा फायदा मिला, वहां पर बल्लेबाज को चार रन के बाउंड्री के बाहर लग लेगा। देखना दिलचस्प रहेगा यहां पर दोनों टीमें कौन सी यहां पर टीम जीतने वाली है। अगली गेंद फिर से अच्छा वहां पर शॉट पॉइंट की दिशा में वहां फील्डर ने फील्ड किया आदित्य सिंह, वहां पर फील्डर देखे जा सकते हैं एक ही रन के लिए। और स्ट्राइक पर फिर से यहां पर इस बार गिरफ्तार। अगली गेंद ऑफसाइड के बाहर वाइड बॉल का इशारा। जोर बॉल घूमते हुए गलती नहीं करेंगे अंकुर सिंह, कप्तान राकेश मिश्र का विकेट। केरल कोची मेघालय नेपाल भूटान से भी कमेंट आते हुए अगली गेंद लेकिन बल्ला पे ठीक से आई नहीं गेंद एक रन के लिए का। अगली गेंद और यहां पर जश्न मनाते हुए गलती नहीं की विकेट के पीछे सोनू कुमार सिंह, अभिनंदन करते हुए सारे दर्शकों का। अगली गेंद सोनू कुमार सिंह लहराती हुई गेंद, अच्छा गेंद डॉट, छोटू सा हेलीकॉप्टर खेलने का प्रयास लेकिन गेंद निकल गई बेवासनम की जैसे, वो बेवासनम जो एक आसिक पर टिकती नहीं। अगली गेंद मुन्ना और अच्छी गेंद, ये देखिए कप्तान चला है सीनाता जिसे कहते हैं और यहाँ पर निश्चित तौर से अपने टीम के रन बचाए और अंकुर सिंह यहाँ पर अच्छी गेंद करनी होगी और फिर से यहाँ पर अच्छी गेंद जोरदार शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन गंदा गेंद और बल्ला में कोई संपर्क। फिर से यहाँ पर शॉट लिया है फील्डर नीचे सेब तो बहुत ही बढ़िया किया है वहां पर दर्शक उपस्थित है चालिया होना चाहिए जरूर इस खिलाड़ी के दिखाते हुए अपना दर्जा दिखाते हुए। फिर से यहां पर जोरदार शॉट लेने का प्रयास किया वहां पर एबीटी का एक रन बाकी पूरा किया दो रन चंदन सिंह का थ्रो सीधा अंकुर सिंह के पास रन नहीं लेना चाहते हैं और मुन्ना सिंह के मुन्ना शाह की जहां तक की बात करें ज्वल स्ट्राइकर से इस बार जोरदार शॉट लगा है यहां पर फील्डर काफी दूर एक रन दूसरा रन दूर से फंबल दो रन भाग के पूरा किया और आप लाइव देख सकते हैं। बहरहाल अगली गेंद फिर से यहां पर गेंद का बहाली के दौरान लेते हुए अंकुर सिंह गलती नहीं करेंगे और एक विकेट का पतन। बॉल बॉल रखिए बॉल में अपने पास बॉल को रखिए और इसी तरह से यहां पर एमएससी से फॉर विश गेंद का
इसका पूरा हुआ और टारगेट यानी कि 20 ओवर में 147 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर और ब्रिगेड चामुंडा को यह मैच जीतने के लिए निर्धारित 20 ओवर में 148 रनों की गुंजाइश रहेगी, दरकार रहेगी। तो हमारे साथ बने रहे, बस कुछ ही पलों में कुछ ही क्षणों में चाहेंगे जब तक हमारे ग्राउंड्समैन मैदान को तैयार ना कर दे। और दर्शक से अनुरोध रहेगा मैदान के बीचों बीच कोई भी दर्शक ना प्रवेश करे, डीजे वाले